ट्रेन प्राइवेट है और कॉर्पोरेट है, जिसमें सिक्योरिटी भी प्राइवेट है। आज इंडियन रेलवेज में 3 तेजस रन कर रही हैं। जिस तेजस को कवर करने जा रहा है वो कुछ स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है भाई। पहुंच चुका है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी लखनऊ की। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूं ऋषि, आप सभी का दोस्त, एंड वेलकम टू माई चैनल ट्रैवल इंडिया विद ऋषि। वन मोर घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। ट्रेन नंबर 82502 IRCTC तेजस एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से 3:35 पर खुलती है, ठीक लखनऊ रात के 10:05 में पहुंचती है, और यही ट्रेन सुबह 6:10 लखनऊ से खुलती है और दोपहर 12:30 नई दिल्ली पहुंच जाती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, ट्रेन प्राइवेट है और कॉर्पोरेट है, जिसमें सिक्योरिटी भी प्राइवेट है। आप मतलब इस ट्रेन में कितने आप लोग हैं? इसमें सिक्योरिटी इसमें सर 9 जने। इस ट्रेन में आपको 9 प्राइवेट सिक्योरिटी इनकी तरह मिलेंगे। क्या नाम है आपका? हरिकिशन जी है। इस तरह फ्लाइट में देखते हैं एयर होस्टेस जो सर्विस करती हैं, सर्व करती हैं, दूसरे इसमें भी ट्रेन में भी आपको सर्विस, वैसे सर्विस आपको इस ट्रेन में तेजस में मिलने वाला है। इसी चेयर कार का अपना कह सकते अंदर का इंटीरियर है, 78% की सीटिंग कैपेसिटी है और 2x3 का अरेंजमेंट है। छोटा सा टूर करवाता हूँ एग्जीक्यूटिव चेयर कार का। आपका एक्सक्यूटिव चेयर कार है, जैसा इस पर बता दो, सिटिंग कैपेसिटी 56 है। सिटिंग कैपेसिटी 56 और इसका सिटिंग कैपेसिटी 56 है और 2x2 सिटिंग अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं। और जो इसका सीट देख लीजिए तो ज़्यादा ही रिलैक्स कहते हैं, कम्फर्टेबल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा ये थोड़ा लेग सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और सामने आप देख रहे हैं इसका लेग स्पेस, देखिए बहुत अच्छा खासा लेग स्पेस दिया हुआ है। अच्छा सर, इस ट्रेन में कैप्टन हो तो C9 में जो आएगा आपके पास में ना, आपसे फीडबैक लेगा, आप अपना फीचर लेंगे। ओके, थैंक यू। ये जिनसे मैंने अभी आपको मिलवाया हुआ, ये ट्रेन के कैप्टन हैं, कह सकते हैं इंचार्ज। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कभी प्राइवेट ट्रेन भी चलेगी, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन कह सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेन जो IRCTC कंट्रोल करेगी। दुआ करता हूँ कि ये बरेली होके नहीं मुल्क में सारी जगह जाएगी। अच्छा, ये ट्रेन मतलब कैसा लगा ट्रेन? बहुत अच्छी। और लोगों का भी बहुत अच्छा रिएक्शन है, जैसे अभी आपने देखा ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है, गेट लॉक हो चुकी है 3:35 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। डस्टबिन यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे इसको यूज़ करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे अभी फ्लैप बंद है, तो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। आप यहाँ पे टच करेंगे तो देखिए ओपन हो जाएगा और आप डस्टबिन जो भी कचरा हो उस पर आप डाल सकते हैं और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप मेरे सामने जो गेट देख रहे हैं इस पर भी सेंसर लगा हुआ है, वंदे भारत में आपने देखा होगा उसको टच करना पड़ता था, लेकिन इसमें आपको टच नहीं करना है। आप जैसे गेट के सामने आओगे गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अभी देखिए गेट ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी आगे जाता हूँ, देखिए गेट, ये देखिए गेट ऑटोमेटिक खुल गया। सर कहाँ? लखनऊ तक? हाँ जी, लखनऊ। दिल्ली और लखनऊ के बीच में टोटल 2 स्टॉपेज हैं, पहला है गाजियाबाद, दूसरा है कानपुर सेंट्रल। और जहाँ तक कंपेयर टू शताब्दी से थोड़ी कम समय लेती है। थैंक यू। ये वाटर बॉटल क्या खासियत है सर? बायोडिग्रेडेबल है, दिस इज द सपोर्ट टू द सिंगल यूज प्लास्टिक को जो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से प्लास्टिक का जो वेस्टेज है कलेक्शन काफ़ी बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, लोड
तो उस लोड को कम करने के लिए इसको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है डिग्रेड हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें कोई साइकिलिंग और रिसाइकिलिंग की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, है ना, ये ऑटोमेटिक मतलब डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम IRTC ने इसी ट्रेन में अच्छा अच्छा शुरू किया है। सही है, अच्छा चीज़ है। पानी की बोतल से ये ग्लास मिलती है पानी पीने के लिए। और इस तरह का आपको स्नैक्स दिया जाएगा, देख सकते हैं इसमें समोसा है, समोसा भी अभी कह सकते हैं गर्म। ये है हल्दीराम का चटपटा दाल, ब्रिटानिया का केक, पिंक गुआवा का फ्रूट ड्रिंक। खाइए और जर्नी को एंजॉय कीजिए। ट्रेन अपने फर्स्ट स्टॉपेज यानी गाजियाबाद पहुंच चुकी है। इसका स्टेशन कोड बता दो GZB। यहाँ पे 228 ट्रेनों का हॉल्ट है, 3 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, 2 टर्मिनेट। और कह सकते हैं गाजियाबाद यूपी का एक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। गाजियाबाद का स्वर्ण जयंती पार्क, इस्कॉन टेम्पल और सिटी फॉरेस्ट एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है गाजियाबाद का। और यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है। चलिए, ऐसा नहीं ये भी वंदे भारत की तरह है, ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है, गेट लॉक हो जाएगा, बाहर रह जाओगे। पुलाव है, प्लेन पुलाव, और इसमें क्या है भाई, क्या पैकिंग है, पैकिंग लेकिन क्या है, ज़बरदस्त पैकिंग किया हुआ है। इसमें दाल है, दाल तो इतनी गर्म है, इसमें आप देख सकते हो हल्की हल्की भाप भी आ रही है ऊपर। इसमें सूखी मिक्स वेज पराठे इन्होंने बहुत अच्छे से पैक किए हैं। 2 पराठे हैं, और ऐसा नहीं है अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहें, पर कॉल बेल है पर उसको प्रेस कीजिए, वो लोग हाजिर हो जाएंगे, आपको जो एक्स्ट्रा कुछ फरमाइश करना है आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दाल से। दाल है, पनीर सब्जी है, मिक्स वेज है, दही है, और क्या चाहिए भाई। और आगे जर्नी कंटिन्यू करता रहिए। एक्सक्यूज मी, हेलो, स्पून नहीं है, स्पून okay. 8:35 कह सकते हैं कानपुर सेंट्रल इसका पहुंचने का ऑफिशियल टाइम है, और ट्रेन राइट टाइम है, मुझे तो लग रहा है बिफोर टाइम ही होगी। चलिए मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसा फ्लाइट में आप देखते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर, ये देखिए ये कॉल बेल है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको अटेंडर को बुलाना है तो अपनी सीट के ऊपर ये कॉल बेल दबाइए। अब जैसे मैं बताता हूँ, चलिए चेक करते हैं। और
ये देखिए इस तरह से लाइट जलेगी और ये लाइट जलती रहेगी जब तक उधर से कोई अटेंडर नहीं आएगा, अटेंड नहीं करेगा। वो अटेंडर आपसे आपके पास अटेंड करेगा, वो लाइट बंद करके आपका जो तकलीफ़ है, आपके जो भी कुछ वो उससे कुछ जानना चाह रहे हैं या कुछ मंगवाना चाह रहे हैं उसको बताइए। देखिए ये देखिए ये हाजिर, क्या नाम हुआ, नाम क्या हुआ आपका? ये ऑफ, अब ये देखिए, ये आपने देखा, ये मैं दिखा रहा था, चेक देखो, इन्होंने इसको ऑफ कर दिया। जस्ट लाइक अ फ्लाइट में जैसा होता है, आपके सीट के ऊपर रहता है, उसको दबाइए। थैंक यू। और ये देखिए, ये एक अलग टाइप की सुविधा मिलने जा रही है आपको तेजस में, और ये सुविधा ना आपको वंदे भारत में मिलने वाली है ना शताब्दी में, ये बस मिलने वाली है आपको तेजस IRCTC स्पेशल तेजस एक्सप्रेस में। और हमारी ट्रेन बस कुछ पलों में ही कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। चलिए नीचे, यहाँ पे 5 मिनट्स का स्टॉपेज भी है, थोड़ा प्लेटफॉर्म पे भी वॉक एंड टॉक करेंगे। ओके सर, फिर मिलेंगे सर किसी से। और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल, इसका बता दूं स्टेशन कोड है CNB। और यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज है, 330 ट्रेन का हॉल्ट है, 39 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, 39 टर्मिनेट, और कह सकते हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन कह सकते हैं इंडियन रेलवे का सबसे बिजिएस्ट स्टेशन कह सकते हैं। और ये सिटी अपने लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, कानपुर। ये मिला है हर एक पैसेंजर को, ये मिला है पैकेट विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम IRCTC। सर जी क्या था उसमें, अपने तो अनबॉक्स कर दिया ना, क्या था इसमें? कीरिंग, अच्छा लेदर का कीरिंग इसमें है। थैंक यू, बाय बाय तेजस। तेजस को टाटा करने का समय आ चुका है, 9:50 है, बिफोर टाइम 10 मिनट पहले ट्रेन पहुंची लखनऊ। ये है तेजस, फिर मिलेंगे किसी नई जर्नी पे, तब तक के लिए अलविदा, बाय एंड टेक केयर।